सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज मनीषा एंड यू आर वाचिंग दिस क्रेजी. और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा कि किन्हीं कारणों से मेरा शेंगेन नहीं लग पाया. ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन हाँ मेरे केस में हुआ है ऐसा. ठीक है, लेकिन क्या कर सकते थे, अब शेंगेन नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो घूमने जाने का प्लान करना ही था ना. तो मैंने चेक करना शुरू किया कि कौन सी कंट्रीज है जिसमें हम यूके के बीआरपी पे ट्रैवल कर सकते हैं. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे हम लोग बीआरपी पे हम लोग एंटर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में विदाउट वीज़ा. तो मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको शेंगेन लगवाना है. अब आपके घर में अगर चार लोग हैं और आप शेंगेन लगवाने जाओगे तो पर हेड 100, राइट? तो 400 यूरो तो आपके यूरो कह लो या फिर पाउंड कह लो, तो उतने पैसे तो आपको सिर्फ शेंगेन में ही चले जाने हैं. और लेकिन आपको वेकेशन करने का मन है और कैश क्रंच है, उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप वो सारी कंट्रीज विजिट कर सकते हो जहाँ पे यूके के बीआरपी से काम चल जाता है. तो आई हैव लिस्ट ऑफ कंट्रीज, वो आप देख लो. कुछ कंट्रीज यहाँ से काफ़ी दूर हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज यहाँ से काफ़ी पास हैं. तो जो पास है आप उन पर फोकस कर सकते हो, और दूर पर भी अगर आपको जाना है तो आप जा ही सकते हो, तो उसमें कोई ऐसा बात नहीं है. इसी तरह की एक कंट्री हमने भी डिसाइड की है, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे पता चला कि रशिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है. तो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग का कितना जाना हो पाएगा. मतलब अभी से एक महीना बाकी है हमारी ट्रिप को, तो आई डोंट नो उस टाइम पे कैसे हालात होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. एक्चुअली एक आर्टिकल है जिसको मैंने रेफर किया था जब मुझे ढूंढना था कि कहाँ जा सकते हैं. तो एक आर्टिकल था, मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो आर्टिकल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, ताकि एक रिटन तौर पे भी आपके पास में एक इन्फॉर्मेशन हो. मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि विजिबिलिटी मिले और भी लोगों को कि हाँ यहाँ जा सकते हैं. अब आउट ऑफ ब्लू आदमी ऐसे ही उठ करके तो नहीं ना ढूंढने लगेगा बीआरपी पे कहाँ जा सकते हैं. मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यूके में जो लोग रहते हैं और क्या किया जा सकता है. ठीक है, तो पहली कंट्री जो है वो है मेक्सिको. और मेक्सिको यहाँ से थोड़ा दूर पड़ेगा, तो आई एम नॉट श्योर कितने लोग जाने वाले हैं. फिर एक सेंट्रल अमेरिका में भी जगह है, उसका नाम है पनामा. आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा. कई बार को होता है ना, नाम सुना होता है लेकिन पता नहीं होता है कि हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते. तो यूके बीआरपी पे आप पनामा भी जा सकते हो. पनामा भी दूर पड़ेगा, जो दूर पड़ेगा मैं वो भी बता रही हूँ, जो पास पड़ेगा मैं वो भी बता रही हूँ. ठीक है, करेबियन क्या है? करेबियन जाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं. तो करेबियन के लिए सोचा जा सकता है. कंट्री है एंगोला, ये ब्रिटिश टेरिटरी है, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए आपको वीज़ा. एंड एंटीगुआ एंड बरबुडा, इसके लिए भी नहीं चाहिए. फिर है नेक्स्ट कंट्री आती है अरूबा. अरूबा इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. फॉर दैट मैटर पूरे करेबियन ही, मतलब पूरे करेबियन में ही बहुत ही ब्यूटिफुल कंट्रीज हैं सब. मतलब इतने सुंदर सुंदर बीचेज हैं ऑल. तो आप अरूबा भी ट्राई कर सकते हो, हमस भी देख सकते हो. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज बरमूडा. बरमूडा भी एक ब्रिटिश टेरिटरी है, तो वहाँ भी जाने के लिए आपको यूके के आपको और किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश टेरिटरी है. एंड देयर इज़ वन मोर कंट्री, उसका नाम है बोनेर. ये एक्चुअली मैं इस कंट्री का नाम मैंने पहली बार सुना है, तो आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट. सो बोनेर ये एक डच टेरिटरी है. केमन आइलैंड भी एक ब्रिटिश टेरिटरी है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो. तो ये सारे जो है ना, ये जो अभी मैंने आपको यहाँ करेबियन में बताया, करेबियन आप फिर भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि करेबियन अगर आप यहाँ से यूके से जाना चाहते हो तो 8 से 10 घंटे में आप करेबियन कंट्रीज में पहुँच सकते हैं. वह है कुरासाओ. तो आई एम नॉट श्योर प्रोनाउंसिएशन के बारे में, क्योंकि इस कंट्री का नाम भी मैंने बहुत ही, मतलब कभी भी नहीं सुना है, पहली बार. बहुत ही, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी न्यू फॉर मी. इस पर भी आप बीआरपी पे एंट्री कर सकते हो. फिर है डोमिनिकन रिपब्लिक. ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो. सेंट मार्टिन. अनदर कंट्री इज टर्क एंड कैकॉस, ये भी एक ब्रिटिश टेरिटरी. फिर हम लोग चलते हैं साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में यू कैन गो टू पेरू. पेरू भी एक बार हम सोच रहे थे कि जाएं क्या पेरू, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो रही थी ना, बड़ा लंबा पड़ जा रहा था. तो हम लोग को लग रहा था कि यार छुट्टी है इतने दिन की, और उसी में अब इंसान 12-12, 15-15, 20-20 घंटे की अगर फ्लाइट लेने लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड दैट टू, फिर उसके बाद कुछ जगहों की टिकट्स जो थी वो बहुत ही मतलब काफ़ी महंगी भी थी, तो इसलिए भी हम लोगों को लगा. अनदर कंट्री इज़ अल्बेनिया. अल्बेनिया इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कंट्री. और अल्बेनिया के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 3 घंटे पे है, तो अगर आप जाना चाहते हो तो अल्बेनिया जा सकते हो. और इट्स लाइक अल्बेनिया
जस्ट लाइक ग्रीस, ग्रीस की तरह है, और लोग इसको गरीबों का ग्रीस भी कहते हैं. तो एंड अल्बेनिया इज सुपर सुपर चीप. तो अगर आपको जाना है ना, तो छोड़ो यार मैं बता देती हूँ यार, अल्बेनिया जा रहे थे हम, तो जा रहे थे नहीं, जा रहे हैं. भगवान करे ये ट्रिप हो जाए यार, बस मतलब अब मुझे कैंसिल कराने का बिल्कुल मन नहीं. लाइन से मैंने 10 दिन की इटली की जो आइटनरी थी, सारे होटल्स मैंने कैंसिल कराया, और फिर उसके बाद हमने अल्बेनिया अल्बेनिया के टिकट्स बुक किए. तो देखो जा पाते कि नहीं, लेकिन बट अल्बेनिया इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री एंड दैट टू वेरी वेरी चीप. अगर वहाँ पे यार 20-20 pounds में क्या मस्त एकदम सी फेसिंग आपको होटल्स मिल जाते हैं यार. तो प्लीज़ अगर आप जाना चाहते हो ना, तो अल्बेनिया ज़रूर चेकआउट करना. मैंने सोचा था नहीं बताऊँगी, सस्पेंस क्रिएट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे फिर, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि बता देते हैं इनकेस किसी को ट्रिप प्लान करना हो यार. अब मेरा तो 1 महीने बाद है ना, राइट, तो इसीलिए मैंने बता दिया. एंड देन इज जॉर्जिया. जॉर्जिया अगर किसी को जाना है तो जॉर्जिया भी जा सकता है. एंड जिब्राल्टार, जिब्राल्टार भी यहाँ से 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है, एंड इट्स अ ब्रिटिश टेरिटरी. और जिब्राल्टार सी, मतलब एकदम समुद्र के उस पे है, तो बहुत लोग जिब्राल्टार भी जाना बहुत पसंद करते हैं. और यार सही है यार, इतना सस्ता सस्ता टिकट मिलता है, मस्त अपना टिकट कटाइए और जाइए जिब्राल्टार. जिब्राल्टार इज ऑल्सो अ वेरी नाइस प्लेस, बट देर इज नथिंग मच टू डू इन जिब्राल्टार. इट्स अ वेरी स्मॉल स्मॉल कंट्री. तो या मतलब वहाँ के लिए ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ता लेके जाओ एंड ऑल. तो इट्स लाइक 2 days या 3 days में वो कंट्री का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा. ज़्यादा कुछ है नहीं जिब्राल्टार में. एंड देन वी कैन गो टू मोंटीनीग्रो. मोंटीनीग्रो इज इट्स नियर अल्बेनिया. अल्बेनिया के आई थिंक ऊपर है शायद, अल्बेनिया के पास में ही है मोंटीनीग्रो. मोंटीनीग्रो भी, उसके भी लैंडस्केप के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री टू. तो अल्बेनिया, मोंटीनीग्रो, ये सब ना आसपास की कंट्रीज़ हैं, एंड इनके जो लैंडस्केप है काफ़ी अच्छे हैं, और अल्बेनियन एल्प्स जो है वो काफ़ी फेमस हैं. तो या यू नो व्हाट आई मीन, जाना है तो चले जाओ. टर्की के बारे में तो सब लोग जानते हैं. टर्की तो इट्स लाइक वेरी कॉमन एंड बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी प्लेस हो चुका है टर्की. टर्की बहुत लोग जाते हैं. एंड यूनाइटेड किंगडम ऑफ कोर्स. मिडल ईस्ट में आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो ओमान, कतर, यूएई. फिर आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, फिलीपींस. फिलीपींस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. जब हम इंडिया में थे तो हम सोचे थे कि फिलीपींस जाएंगे जाएंगे, लेकिन हम सोचते ही रह गए और हम जा नहीं पाए. या बट फिलीपींस इज मोर लाइक मालदीव्स. मालदीव्स, फिजी, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ना, फिलीपींस उसी की तरह है. और फिलीपींस भी काफ़ी चीप है, मतलब वहाँ की टिकट्स भी उतनी ज़्यादा, अब यहाँ से कितना है इतना तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इंडिया से कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी एंड काफ़ी अफोर्डेबल था. और वहाँ का जो रहना और मतलब यू नो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी काफ़ी चीप है. तो वहाँ पर भी सस्ते होटल्स आपको मिल जाते हैं. तो जस्ट लाइक जैसे कि इंसान इंडिया से थाईलैंड वाईलैंड करता है, तो फिलीपींस भी कर सकता है. तो जो लोग बहुत शौकीन होते हैं वो फिलीपींस चले जाते हैं. मालदीव्स का क्या है ना, इंडिया से टिकट तो बड़ी सस्ती है, लेकिन मालदीव्स में रहना अपने आप में बहुत महंगा है. मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम अपने हनीमून पे मालदीव्स गए थे, और यार उस टाइम मैं व्लॉग नहीं करती थी. तो कभी कभी हम सोचते हैं कि मतलब हम US गए उस टाइम पे भी हम व्लॉग नहीं करते थे, हम मालदीव्स गए, इतनी अच्छी अच्छी जगह छू गए यार व्लॉग करने के लिए. और व्लॉग तो व्लॉग, मतलब फिर क्या होता है ना, मेमोरीज़ हमको ऐसा लगता है कि आप कलेक्ट करके रख पाते हो. तो हम अपने ही कभी कभी पुराने वीडियोस देखते हैं और खुश होते रहते हैं ऐसे ही. और क्या बता रहे थे हम, भूल गए हम कुछ तो कहने वाले थे. एनीवेज ठीक है. फिर सिंगापुर, ऑफ कोर्स आप सिंगापुर जा सकते हो, साउथ कोरिया जा सकते हो, ताइवान जा सकते हो, एंड यस दीज आर द कंट्रीज. लगा कि ये वीडियो बनाएंगे तो हम कुछ लोगों का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे मेरे चैनल पे जो लोग UK से हैं वो लोग भी कनेक्ट करने लगे हैं. देखो इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाओगे तो इंटरनेट पे सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में बताया है, नॉट श्योर. प्लीज़ कॉमेंट करना कि आपको इस टाइप के वीडियोस देखने में कितना इंटरेस्ट है कितना नहीं. एंड रियली आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे वीडियो बनाने का काफ़ी मोटिवेशन मिलता है. यार वीडियो बनाओ और कोई देखने वाला नहीं होगा तो कहाँ ही से मोटिवेशन आएगा, राइट? वीडियो बनाओ, 4 लोग देखें, और फिर उसके बाद कॉमेंट करें, किसी को हेल्प हो, तब तो वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है ना. तो या ठीक है, प्लीज़ बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो. एंड यस, मैंने एंडिंग तो की ही नहीं, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.